सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वयं सेवक संघ के चीफ मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर सस्पेंस बरकरार है। दोनों नेताओं की मुलाकात शनिवार को होनी थी, जिसको दो बार दोपहर और फिर शाम तक के लिए स्थगित किया गया, पर देर रात तक दोनों की मुलाकात हो नहीं सकी है। फिलहाल दोनों नेता गोरखपुर में है और आज अगर स्थिति ठीक रही तो संभवतः दोनों की मुलाकात हो सकती है। तो योगी और भागवत की मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार। कल जो मुलाकात होनी थी चूंकि हो नहीं पाई है, ऐसे में लगातार कयास लग रहे कि आज अगर स्थिति ठीक रही तो संभवतः दोनों मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। गोरखपुर में ही भागवत है और आज उनकी मुलाकात हो सकती है, इस पर भी सस्पेंस बरकरार। मयूर शुक्ला हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग मयूर। मयूर, इस मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार है। कल मुलाकात होनी थी, फिर समय स्थगित होता है। शाम को होनी थी, फिर समय स्थगित होता है। रात तक मुलाकात हो नहीं पाई है। अब चूंकि दोनों ही गोरखपुर में है, क्या आज मुलाकात की संभावना, बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए आज संभावना प्रबल है क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग जो है वो गोरखपुर में हैं और कल उम्मीद जताई जा रही थी दो बार ऐसा माहौल बना कि शायद मुलाकात होगी, लेकिन देर रात तक मुलाकात नहीं हो पाई। और आज संभवतः क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के प्रवास पर गोरखपुर में हैं, तो आज संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जरूर होगी, क्योंकि वो पाँच दिन के अपने शिविर में मोहन भागवत मौजूद हैं। हालाँकि वो अपने कार्यक्रमों में कल शामिल ज़रूर रहे, लेकिन कयास इस बात की लगाई जा रही है क्योंकि ऑफिशियल जानकारी अभी मुख्यमंत्री की टीम की तरफ से नहीं आई है कि वो कितने बजे कब कहां मुलाकात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे भारतीय जनता पार्टी के रहे, तो इससे कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक, संगठन से लेकर सरकार, सभी हताश निराश हैं। और जिस तरीके से आरएसएस की बयानबाजी सामने आ रही थी, चाहे वो इंद्रेश कुमार हो या फिर इसके पहले भी मोहन भागवत के जो बयान सामने आए उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर या फिर देश में केंद्रीय सरकार को लेकर, तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जरूर थी कि आपस में कोई तालमेल बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में आज की जो ये बैठक है बहुत ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि सभी 80 सीटें जीतने की बात यूपी में भाजपा कर रही थी और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटों पर ही ये रह गए और कहीं ना कहीं यूपी ने ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में आने से रोका है। तो बहुत ज्यादा।